नमस्कार, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सिंगल सिलेंडर टैंक मैकेनिज्म SSCM के इन्वर्जन्स या उत्क्रमणीय के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक के अंत में विद्यार्थी समझ सकेंगे कि किसी भी मैकेनिज्म के इन्वर्जन क्या होते हैं, सिंगल सिलेंडर टैंक मैकेनिज्म के इन्वर्जन्स क्या होते हैं या इन इन्वर्जन्स का अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस क्या होते हैं। की कॉन्सेप्ट जो हम कवर कर रहे हैं वो है इन्वर्जन और SSCM के इन्वर्जन्स का अनुप्रयोग। इन्वर्जन्स ऑफ अ मैकेनिज्म को यदि हम डिफाइन करें तो यह एक मेथड है जिसमें कि हम डिफरेंट मैकेनिज्म प्राप्त कर सकते हैं किसी भी काइनेमेटिक चेन के बाय फिक्सिंग डिफरेंट लिंक्स ऑफ काइनेमेटिक चेन। इसका मतलब हम नंबर ऑफ इन्वर्जन्स जो किसी भी मैकेनिज्म के ले सकते हैं वो उसमें उपस्थित नंबर ऑफ लिंक्स के बराबर होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें किसी भी केस में जो नंबर ऑफ जो लिंक्स हैं, लिंक्स के बीच में जो मोशन है, रिलेटिव मोशन, वो परिवर्तित नहीं होता है। इस तरीके से इन्वर्जन्स के बारे में हमने जाना कि इन्वर्जन जितने भी हमारे किसी भी काइनेमेटिक चेन के लिंक हैं उतने ही इन्वर्जन हमको प्राप्त होते हैं और लिंक के बीच में जो सापेक्ष गति होती है वो परिवर्तित नहीं होती है। हम सिंगल सिलेंडर टैंक मैकेनिज्म के बारे में रिकैप में लेते हैं कि हम क्या पढ़े हुए हैं। हम यहाँ पर पढ़े हैं कि सिंगल सिलेंडर क्रैंक मैकेनिज्म में लिंक नंबर 1 फिक्स होती है, लिंक नंबर 2 क्रैंक है, लिंक नंबर 3 कनेक्टिंग रॉड है, जबकि लिंक नंबर 4 आपकी पिस्टन है, तथा 4 ही पेयर होते हैं। पेयर ए स्लाइडिंग होता है जबकि पेयर बी, सी और डी, ये तीनों पेयर जो होते हैं वो टर्निंग पेयर होते हैं। इस प्रकार यदि अब हम इन्वर्जन की बात करें कि सिंगल सिलेंडर क्रैंक मैकेनिज्म में इन्वर्जन कितने होंगे, तो आप सोचिए, थोड़ा सा बुक में लिखिए और एक मिनट के लिए इस वीडियो को पॉज करिए और बताइएगा कि इसमें कितने इन्वर्जन हो सकते हैं। उम्मीद है आपने सोचा होगा। आप लोग बिल्कुल सही हैं, क्योंकि आपने यही लिखा होगा कि चूंकि इसमें नंबर ऑफ लिंक 4 हैं, अतः इसके इन्वर्जन जो होंगे वो 4 होंगे। आगे देखते हैं हम कि सिंगल सिलेंडर क्रैंक मैकेनिज्म के 4 इन्वर्जन्स होते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लिंक्स 4 है। प्रथम इन्वर्जन या प्रथम उत्क्रमणीय होता है जिसमें कि हम लिंक नंबर 1 को फिक्स करते हैं। इसके अनुप्रयोग जो है वो रेसिप्रोकेटिंग इंजन में है और कंप्रेसर में है। जबकि द्वितीय इन्वर्जन में आप देखेंगे इसमें हम क्रैंक को फिक्स रखते हैं, लिंक नंबर 2 को, और इसके अनुप्रयोग है विथवर्स क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म या रोटरी इंजन। जबकि तृतीय इन्वर्जन में हम कनेक्टिंग रॉड को फिक्स करते हैं जिसके अनुप्रयोग हमें देखने मिलते हैं क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में या ऑस्किलेटरी इंजन में। और अंतिम या चौथा इन्वर्जन जो होता है उसमें हम लिंक नंबर 4 स्लाइडर या पिस्टन को फिक्स करते हैं और इसके हमें एप्लीकेशन देखने मिलते हैं हैंड पंप, पेंडुलम पंप या बुल इंजन। हम अब वन बाय वन देखेंगे कि प्रथम इन्वर्जन सिंगल सिलेंडर क्रैंक मैकेनिज्म का, इसके अनुप्रयोग रेसिप्रोकेटिंग इंजन या कंप्रेसर, इसमें लिंक नंबर 1 फिक्स होगी और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें जो क्रैंक है वो रोटेट होगी और कनेक्टिंग रॉड ऑस्किलेट होगी जबकि पिस्टन जो है वो स्लाइड करेगा सिलेंडर में। यदि हम क्रैंक के रोटेशन से पिस्टन का स्लाइडिंग मोशन लेते हैं तो हमारा ये एप्लीकेशन होता है कंप्रेसर, जबकि यदि हम पिस्टन के स्लाइडिंग मोशन से क्रैंक को रोटेट करते हैं तो ये हमारा होता है रेसिप्रोकेटिंग इंजन। आप यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर यूट्यूब की साइट पर जाकर के इसका एनिमेशन देख सकते हैं। यह एनिमेशंस आपको रिसोर्सेस में उपलब्ध कराए गए हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। दूसरे तरह का हम देखें इन्वर्जन, तो दूसरे तरह का इन्वर्जन जो है वो हमारा रोटरी इंटरनल कम्बशन इंजन है। दूसरे तरह का इन्वर्जन यानी कि लिंक नंबर 2 जो है क्रैंक आपकी फिक्स रहेगी। यहाँ पर ये जो क्रैंक है ये आपकी फिक्स है जबकि कनेक्टिंग रॉड जो है वो आपकी यहाँ पर क्या होगी, रोटेट होगी। पिस्टन जो है आपके स्लाइड होंगे सिलेंडर में जबकि सिलेंडर जो होंगे वो रोटेट होंगे। तो यहाँ पर 7 सिलेंडर्स दिखाए गए हैं जो कि रोटेट होते हैं अबाउट एन एक्सिस, इसलिए हम इसको रोटरी IC इंजन के नाम से जान सकते हैं। इसका भी हम एनिमेशन देख सकते हैं। तृतीय इन्वर्जन की यदि हम बात करते हैं
तो प्रति इन्वर्जन में पहला नाम है क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर QRM मैकेनिज्म, इसका एनिमेशन आप देख सकते हैं। लेकिन ये क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म जो है वो नेक्स्ट वीक में आपको डिटेल में श्री राजीव नामदेव सर के द्वारा समझाया जाएगा। प्रति इन्वर्जन का ही दूसरा अनुप्रयोग जो है वो है ऑस्किलेटिंग सिलेंडर इंजन। इसमें फिर से हम कनेक्टिंग रॉड 3 को फिक्स करेंगे, लिंक हमारी रोटेट होगी, जबकि पिस्टन हमारा जो है वो यहाँ पर देखेंगे आप ऑस्किलेट करेगा सिलेंडर के अंदर। तो यहाँ पर पिस्टन जो है हमारा ऑस्किलेट नहीं बल्कि क्या स्लाइड करेगा, जबकि ऑस्किलेशन मोशन जो मिलेगा वो हमको सिलेंडर से मिलेगा। यहाँ पर नोट है, आप देखिए बिल्कुल क्लियर कट की कनेक्टिंग रॉड इसमें 3 फिक्स है, इसलिए हम इसको थर्ड इन्वर्जन के नाम से जान सकते हैं। और आप यहाँ पर इसका क्लिक करके एनिमेशन भी देख सकते हैं। इसके पश्चात हम देखें फोर्थ इन्वर्जन जो है सिंगल सर्वर क्रैंक मैकेनिज्म का, इसका अनुप्रयोग पेंडुलम पंप या बुल इंजन में होता है। यूजली डुप्लेक्स पंप के रूप में इसका उपयोग किया जाता है बॉयलर्स में फीड वाटर को सप्लाई करने के लिए। आप एनिमेशन देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से हम समझें। यहाँ पर जो है लिंक नंबर 4 जो है वो हमारी फिक्स है, जबकि हम देखें कि पिस्टन जो है वो हमारा रेसिप्रोकेट कर रहा है और लिंक नंबर 2 जो है क्रैंक है, लिंक नंबर 3 हमारी कनेक्टिंग रॉड है। आप एनिमेशन यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से हमारे क्रैंक सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के चारों इन्वर्जन के बारे में हमने जाना कि ये इन्वर्जन क्या है और इनके अनुप्रयोग क्या है। नेक्स्ट वीक में आपको श्री राजीव नामदेव सर क्रैंक एंड स्लॉटेड लीवर QRM मैकेनिज्म के बारे में डिटेल में समझाएंगे। धन्यवाद।